ये भैया हमारी अब नंबर प्लेट लगा रहे हैं गाड़ी की। इसका इंटीरियर भाई अपना मेट्रो में थे और ये देखो लग रहा है ईएमयू में आ गए हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज दिव्यांश, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो भाई बहुत दिनों बाद ब्लॉग की स्टार्ट कर रहा हूँ यार, टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल शादी के चक्कर में। तो आज अपना भाई गाड़ी की सर्विस का टाइम आ गया, 1300-1400 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और अपने को जाना है दिल्ली गाड़ी की सर्विस कराने। गाड़ी की सर्विस करानी है, इसका नंबर भी आ गया था तो नंबर भी ऊट पटांग से नंबर सा है। इसका क्या कहते हैं नंबर प्लेट भी लगवानी है, वहाँ पर लगेंगे 3-4 घंटे। तो अपना इतना करोल बाग में एक दो काम है, कपड़े वपड़े उठाने हैं वो उठा लेंगे और अपना एक भाई जा रहा है साथ में, उसको पहले पिक कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं करोल बाग। ओ सॉरी, पहले जाएंगे मोखला, ओखला जाएंगे, ओखला में एक मिनट यार, ओखला में पहले गाड़ी देंगे फिर वहाँ से देखेंगे मेट्रो या दूसरी गाड़ी उठाएंगे, वहाँ से चलेंगे गाड़ी पे। पूरा दिन का ही काम है यार, मिलते हैं आपसे एक बार आगे चलते हैं, यहाँ पे तो पूरा जाम हो रखा है यार बिल्कुल। चलते हैं एक बार बताएंगे आपको गाड़ी भी कैसे चल रही है, क्योंकि डिलीवरी के बाद ये पहला ही व्लॉग है, उसका कोई व्लॉग ही नहीं निकाला, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा। 10-15 दिन शादी के बचे हैं तो सारी दिन पूरा दिन मतलब तैयारियों में ही कभी उधर कभी इधर निकल ही जाता है। चलते हैं एक बार आगे, मिलते हैं आपसे आगे। भाई अपना चल रहे हैं आगे और अपना भाई भी आ चुका है साथ में, चल रहे हैं यार। इसको भी काम है चांदनी चौक की साइड और करोल बाग में, दोनों जगह इसको भी काम ही है, तो अपना वहाँ से निकल जाएगा, हम अपना अलग मेट्रो पकड़ लेंगे वहाँ से आगे। अभी तो बताओ जब से इसी गाड़ी के पीछे चल रहा हूँ ना जाम है। चल रहे हैं भाई एक बार आगे, मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई अपना यहाँ से चल रहे हैं अपना ओखला की तरफ और अपना यहाँ से कितना टाइम लगेगा, आधा पौना घंटा लगेगा ओखला पहुँचने में। ओखला पहुँच के गाड़ी वाड़ी देते हैं, चलते हैं एक बार। अब तो सीधा सीधा रास्ता ही है, बाकी जो जाम वाम था वो तो निकल ही गया। अरे यार ये चार्जिंग, एक तो फ़ोन में चार्जिंग थी, चार्जिंग में टाइम पे ना बड़ी दिक्कत आती है ड्राइविंग करते टाइम। चलते हैं भाई। और गाड़ी की बात, गाड़ी भाई बहुत बढ़िया है, गाड़ी अपनी 1400 किलोमीटर 1300 कुछ चली है, 1377 के आसपास चली है गाड़ी, बहुत बढ़िया चल रही है अभी तो। और एवरेज में ऐसे ही कर रखी है, एवरेज देखो, एवरेज दे रही है ये हमारी टोटल अभी तक इसने 12.3 मतलब 12 की एवरेज दी है, और अभी तक ये गाड़ी 16,000 रुपये का तेल चूस चुकी है भाई। कोई नहीं भाई, चल रहे हैं एक बार आगे ओखला की तरफ, वहाँ पे सर्विस कराते हैं और बोलेंगे भाई थोड़ा एवरेज का देख लो, थोड़ी बढ़ेगी सर्विस की तो बढ़ती है। चलते हैं यार, नंबर प्लेट भी लगवानी है और 2-3 काम है, पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा हमारा। ना भाई पुलिस वाले खड़े होते हैं इंटरसेप्टर्स लेके, और जो भी आया ना दबोचे में 60 से ऊपर आते ही आ जाओ भाई साइड में, और कुछ भी नहीं करते ना किसी की सुनते हैं, सीधा आरसी रख ली अपने, और सॉरी आरसी रख लो या लाइसेंस कुछ भी रख लेते हैं गाड़ी का, सीधा गाड़ी बॉन्ड। और लोग यहाँ पे इतनी कुत्तों की तरह भगाते हैं ना गाड़ी भाई, 120-100 अपने तो यहाँ पे क्रूज लगा दिया भाई गाड़ी पे, ये 50-56 पे बस। और यहाँ पे भाई बहुत, मेरे को भी एक बार पकड़ा है बट ऐसा कुछ नहीं था, इतनी स्पीड थी नहीं, 70-80 थी तो पकड़ा था, जब मेरे फ्रेंड को नमन को पकड़ लिया था उसकी स्पीड थी 120 और उसका क्या कहते हैं पूरा क्या कहते हैं आपका लाइसेंस रख लिया था, 3-4 महीने के लिए रखते हैं शायद, और उसके बाद छुड़वाया उसने लाइसेंस वगैरह। उसके घर में पता नहीं होगी बट इस व्लॉग से उसके घर में भी पता चल जाएगी उसके साथ ऐसा भी हुआ था, कोई नहीं बहुत पुरानी बात है, सॉरी भाई। आगे चलते हैं भाई अपना ओखला, ठीक है। तो भाई फाइनली पहुँच गए अपना, यार कितना टाइम लग गया, जाम बहुत था, अंदर से ले आया कंसेप्ट सर्विस करानी है, एक बार अंदर चलते हैं, चलते हैं भाई गाड़ी वाड़ी देते, मिलते हैं। चलो भाई अपनी गाड़ी देते हैं एक बार, देखते हैं कितना टाइम बताते हैं, बताया था ऐसे कॉल पे तो कहते हैं 2-3 घंटे लगेंगे, सामान वामान निकाल लो भाई गाड़ी में से अपना, चलते हैं सर्विस कराएंगे यार। ना ना चलो
वही गाड़ी वाड़ी तो अपनी अपना दे दी थी और अभी यहाँ पर लंच वंच चल रहा है तो अपनी गाड़ी अपना चली गई अंदर। अभी लंच के बाद सर्विस एडवाइज़र आएंगे, उसके बाद अपनी गाड़ी का मतलब जो जॉब कार्ड बनेगा, जॉब कार्ड के बाद अपने यहाँ से चलेंगे हम, अपना करोल बाग जाना है। देखते हैं मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, यहाँ से मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है। चलो भाई चलते हैं। भाई अपना गाड़ी वगैरह दे दी थी और अभी गाड़ी में लगेगा एक दो घंटे लगेंगे, तो निकल लिए भाई मेट्रो स्टेशन ढूंढ रहे हैं, यहाँ से मेट्रो स्टेशन मिल जाए पास में और देखते हैं पैदल पैदल कहाँ तक यार मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है। देखा मेट्रो स्टेशन, कैब कर लिया तो चलते हैं यार, ऐसे जाना पड़ेगा धीरे धीरे। पहुँच गया अपना मेट्रो स्टेशन, काफ़ी दूर था वहाँ से मेट्रो स्टेशन और अब यहाँ से चलते हैं, काफ़ी टाइम बाद मेट्रो में बैठना है। अपना यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पर तो बहुत तगड़ी गेम थी, टोकन के लिए चेंज चाहिए था हमारा 50 का नोट, तो सीधा 20-20 के नोट या 10-10 के नोट, तो कम से कम 15-20 मिनट तो टोकन लेने में लग गए। चलते हम यार लेट हो पड़े, मैं तो भी आ गई, आ जा जल्दी भाई। अपना मेट्रो में थे और ये देखो भाई लग रहा है EMU में आ गए हैं, आराम से भीड़ देखो। पहुंच गया अपना करोल बाग की मार्केट और ऐसे देखो यार यहाँ भी उस समय तो अपने कपड़े उठाने हैं, ट्रायल रेल सब हो गया था वो उठाते हैं और चलते हैं एक बार दोबारा वापसी मेट्रो में। भाई बहुत बुरा हाल था मेट्रो में, बहुत तगड़ा रश था। चलो अपना भूख वगैरह लग रही थी और ये देखो चाय वाली, बस अब अपने कपड़े वपड़े उठाते हैं यार, खान पेट पूजा करते हैं पहले फिर उसके बाद चलेंगे। अपना सामान वगैरह ले लिया था देखो, अब यहाँ से भाई ओला कर रहे हैं, हिम्मत नहीं है मेट्रो में जाने की। ओला पहले हम यहाँ से 100 मीटर दूर से देख रहे थे तो पता कित तो हमारा प्राइस हो रहा था 600 रुपये, यहाँ से 250 रुपये। यार बहुत भीड़ है, बैठते हैं एक बार ओला में फट। चलो भाई फाइनली अपने यार यार चलो डिग्गी होगी इसमें नहीं, इसमें नहीं होगी, आगे रख दिए सामान जी। भाई बैठ गए अपना और अब खाते पीते हैं कुछ निकाली हुए यार, जा रहे हैं सर्विस सेंटर एक बार, वहाँ से गाड़ी पिक करेंगे, फिर नंबर प्लेट लगवाने जाना है यार शोरूम, बच जाएंगे 7 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। चलते हैं गाड़ी तो हो गई रेडी और ये ले ली गेट पास, ये भी गाड़ी तो तैयार है, चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। अंकल भाई ले ली अपनी गाड़ी और अभी यहाँ से चल रहे हैं एक बार शोरूम, वहाँ पे जाके एक बार नंबर प्लेट लगवा लेते हैं फिर चलेंगे घर, लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, 6:45 हो रहे हैं। चलते हैं यहीं पास में है, 200-300 मीटर दूर है शोरूम। अपना शोरूम आए थे यार यहाँ पे ओखला, अब यहाँ पे आके पता चला कि जो मेरी नंबर प्लेट है जहाँ से हमने गाड़ी ली थी उन्होंने वहाँ भेज दी, वो भी आज दिन में। अब यहाँ पे आधा घंटा वेट करेंगे, ग्रीन पार्क से आएगी नंबर प्लेट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, इनके पागल बनते के पीछे ना हम मरते हैं हमेशा, कोई नहीं यहाँ वेट करते हैं यार, देखो कितना टाइम लगेगा, आधा एक घंटा लग ही जाएगा, नंबर प्लेट लगवाएंगे फ्री कर जाएंगे, नंबर प्लेट आने में तो लगेगा टाइम, तो इतने शोरूम में गाड़ी का ना देख लें हल्का जार, ये देखते हैं आगे से बिल्कुल क्रेटा की तरह है, बस ग्रिल चेंज है इसमें, ग्रिल का फर्क है बस गाड़ी में जो है, बाकी तो सारी क्रेटा की तरह ही है। अंदर से इसका इंटीरियर बहुत सही है, टैन इंटीरियर है पूरा, इसका इंटीरियर और इसका मीटर भी बढ़िया है, ऑटोमेटिक है, इसका 7 सीटर है ये, इसके पीछे वाली सीट्स देखते हैं बैठ के कैसी स्पेस पीछे है, भी नहीं है लगता तो नहीं है इसमें स्पेस होगा कुछ,
इस पे बंदा बैठेगा कैसे? कुछ भी स्पेस नहीं है, कुछ भी बंदा बैठ ही नहीं पाएगा। वैसे तो फिर भी आगे कर रखी है सीट, पर इसको पूरा पीछे करते हैं। ये कहाँ बैठेगा इसमें बंदा पीछे? ये देखो इसका स्पेस। 5 सीटर सही थी, बिना बात के बना दिया इसको 7 सीटर। बस पीछे से फर्क है गाड़ी में जो है। अभी नंबर प्लेट आने में लगेगा कम से कम आधा घंटा, पर हम इतने ही रोड पे ही आंड रहे हैं। सब लोहड़ी का फेस्टिवल है और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ रोड पे। भाई बहुत बुरा हाल हो गया सुबह से, दिन में ही उन्होंने नंबर प्लेट उधर भिजवा दी और हम यहाँ पागल की तरह घूम रहे हैं। चलो चले। हाँ भाई पागल। हाँ भाई, तो देखो लोहड़ी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना सब बढ़िया शोरूम वाले, और एक हम यहाँ रोड पे घूम रहे हैं इसकी वजह से। अपनी नंबर प्लेट आ गई फाइनली, और अभी इसके स्टिकर थे अभी लगवाते हैं इनसे। चलो ये भैया हमारी अब नंबर प्लेट लगा रहे हैं गाड़ी की। इन भैया को हमने रोका हुआ था, मतलब शोरूम सब चले गए हैं शोरूम में, बट इन भैया को हमने रोक लिया था, भैया आप रुक जाओ और ये नंबर प्लेट लगवा देना हमारी। यार पूरा दिन निकल गया भाई इसी इन्हीं कामों में ना, छोटे मोटे कामों में, बट दोबारा आना बहुत मुश्किल था। लगवाते हैं नंबर प्लेट। ये अपनी नंबर प्लेट लग गई, और नंबर जो कितना बुरा सा है। अरे भैया भाई स्टिकर लगा रहे हैं गाड़ी पे, HSRP के स्टिकर्स होते हैं ना, ये स्टिकर लगा रहे हैं। और ये दोनों साइड की अपनी नंबर प्लेट लग चुकी है। अब यहाँ से चलेंगे घर सीधा, और घर जाने में लगेगा कम से कम 1 घंटा। भाई अपना निकल रहे हैं अब घर। घर का रास्ता है अपना 21 किलोमीटर, 40 मिनट लगेंगे अपना घर पहुंचने में। चलते हैं, चलो घर देखो कब तक पहुंचेंगे। अभी जाना भी है, एक दो फंक्शन भी है यार, जाएंगे वहाँ पे भी, मिलते हैं आगे। तो भाई फाइनली पहुंच गया अपना ऑफिस, गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी, अब यहाँ चलेंगे घर। और ब्लॉग को करते हैं पर एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।